माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू कंप्लीटेड 6 क्वेश्चंस ऑफ प्रॉब्लम सेट 1. ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस प्रॉब्लम सेट 1. ओके स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 7 देयर आर सिक्स सब क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन नंबर 7 देयर आर 6 सब क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट, एंड ईच क्वेश्चन इज वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट, यू अंडरस्टूड ना व्हाट इज अ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस. स्टूडेंट, इन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस आर गिवन इन सेंटेंस फॉर्म. ओके स्टूडेंट, सेंटेंस फॉर्म में हमको क्वेश्चन दिया रहता है, तो फर्स्ट वी रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड वी मेक टू इक्वेशंस. आफ्टर मेकिंग टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वी विल सॉल्व द टू इक्वेशंस. ओके स्टूडेंट, नाउ सी योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. नाउ सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. What is the question? Question is the sum of a two-digit number and the number obtained by interchanging the digits is 143. If the digit it at the units place is 3 more than the digit at the tens place, find the original number. Student, this question is activity type questions. एक्टिविटी आपको समझ में आता है, सोल्यूशन में कुछ चीजें मिस किया रहता है, उसको बॉक्स के फॉर्म में दिया रहता है और उस बॉक्स को हमको फिल करना होता है. ओके स्टूडेंट, तो हम लोग इसको सीखते हैं कि कैसे हम लोग फुल्ली कैसे सॉल्व करेंगे इसको. द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 143. इफ द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट एट द टेंस प्लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर. स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड द ओरिजिनल नंबर एंड ओरिजिनल नंबर इज अ टू डिजिट नंबर. स्टूडेंट, यू नो टू डिजिट नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 99. 10 से स्टार्ट होता है टू डिजिट नंबर और कहां तक होता है टू डिजिट नंबर 99 तक होता है. तो इसमें इस क्वेश्चन में हमको एक टू डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है. एंड स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन टू कंडीशंस आर गिवन. फ्रॉम ईच कंडीशन वी मेक टू लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स एंड आफ्टर मेकिंग द इक्वेशन वी विल सॉल्व द इक्वेशंस. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट कंडीशन पहले हम लोग इसको रफली समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसको फेयर करेंगे. स्टूडेंट, दिस सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, सम ऑफ, सम मतलब प्लस, किसका प्लस, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 143. ओके स्टूडेंट, दिस वन इज फर्स्ट कंडीशन. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पहले आप 2-3 बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और जो कंडीशन दिया है ना आपको ऐसे ओरली याद हो जाना चाहिए. बात समझ में आ रही क्या? तो क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 143. स्टूडेंट, इसमें एक टू डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर और किसका सम करना है, नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. अच्छा, इसमें हम लोग टू डिजिट नंबर है तो एक होगा यूनिट्स प्लेस और होगा टेंस प्लेस. ओके स्टूडेंट, चलो यूनिट प्लेस पर हमने कंसीडर कर लिया एक्स और टेंस प्लेस पर कंसीडर कर लिया वाई. ओके स्टूडेंट, वी हैव टू कंसीडर अ टू डिजिट नंबर. इन दिस टू डिजिट नंबर यूनिट्स प्लेस इज एक्स एंड टेंस प्लेस इज वाई. अच्छा, एक एग्जाम्पल हम लोग नंबर्स में लेते हैं. सपोज दैट वी हैव अ टू डिजिट नंबर 25. ओके स्टूडेंट, डिजिट 5 इज एट इट्स यूनिट्स प्लेस एंड 2 इज एट इट्स टेंस प्लेस. टेंस प्लेस पर क्या है? 2 है. यूनिट प्लेस पर क्या है? 5 है. तो कंडीशन क्या दिया है पहले हम लोग इससे समझते हैं. सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर क्या कंसीडर किया? 25. सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स.
डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो कौन सा नंबर आपको मिल जाएगा, 52। ये दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा, कंडीशन क्या दिया है, दोनों का प्लस करने पर कितना आता है, 143। बात समझ में आ गई क्या? सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, तो हमने टू डिजिट नंबर एक आपको समझने के लिए एक टू डिजिट नंबर कंसीडर कर लिया। कौन सा टू डिजिट नंबर कंसीडर किया, 25। अब कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, सम मतलब प्लस, टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इज 143। एक कंडीशन समझ में आ गया। अब हमको जब टू डिजिट नंबर निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पर हमने क्या कंसीडर किया, एक्स कंसीडर किया, टेंस प्लेस पर क्या हमने कंसीडर किया, वाई कंसीडर किया। अच्छा, ये दोनों को मिला के कौन सा टू डिजिट नंबर बनेगा, वाई एक्स। बात समझ में आए क्या? ऐसे देखो, इधर लिखा है ना 25, एक्चुअल में दिस इज नॉट करेक्ट, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को रफली समझ रहे हैं। दिस इज वाई एक्स, वाई एक्स स्टूडेंट, सपोज दैट दिस वाई एक्स अ टू डिजिट नंबर वेयर एक्स इज एट इट्स यूनिट्स प्लेस एंड वाई इज एट इट्स टेंस प्लेस। बात समझ में आई क्या? तो दिस इज लाइक एज 25, किसको प्लस करना है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे। एक्स को कहां कर दिया, टेंस प्लेस पर, वाई को कहां कर दिया, यूनिट प्लेस पर, तो ये कितना हो गया, एक्स वाई हो गया। और सम दिया है, कितना दिया है, 143। स्टूडेंट दिस कंडीशन अंडरस्टूड ना, बट स्टूडेंट दिस एक्स वाई एंड दिस एक्स वाई बोथ आर सेम। हम टू डिजिट नंबर को एक्स वाई ऐसा नहीं लिख सकते, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट नॉर्मली एक्स वाई इट मींस प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। नॉर्मली एक्स वाई कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या समझते हो, इसका मीनिंग क्या समझ में आता है, तो आप क्या बोलोगे, सर दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, ये तो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट है। तो मतलब हम टू डिजिट नंबर को ऐसा नहीं रिप्रेजेंट, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे समझो कहीं पे लिखा है PQ, मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय PQ, PQ लिखा है तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है, तो आप क्या बोलोगे, सर दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, ये तो P और Q को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट है। और अगर मैं QP लिख दूं तो इसका मतलब क्या आप बताओगे, व्हाट डू यू मीन बाय QP, सर मीनिंग ऑफ PQ एंड QP आर सेम, दिस इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, ये भी PQ का प्रोडक्ट है, ये भी PQ का प्रोडक्ट है। तो मतलब नंबर को अगर यूनिट प्लेस पे हमने एक्स लिया, टेंस प्लेस पे हमने वाई लिया, तो इसको हम लोग वाई एक्स नहीं लिख सकते। जैसे मैं आपको बताऊं, इफ वी हैव अ टू डिजिट नंबर एंड इट्स यूनिट प्लेस इज यूनिट डिजिट इज 5 एंड टेंस डिजिट इज 2, तो हम लोग नॉर्मली अगर हमारे पास डिजिट है नंबर में है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 25, लेकिन अगर वेरिएबल है ना तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बात समझ में आई ना, क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ये y x का मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ y एंड x, एंड x y मींस दिस इज आल्सो हैविंग सेम मीनिंग, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, तो ऐसा नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो कैसा रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, इसको हम लोग लिखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में। जैसे 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कहां पर है, टेंस प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितना हो गई, 2 × 10, प्लस 5 किधर है, यूनिट प्लेस पर है, तो इसको क्या लिख देंगे, 5 × 1, तो ये कितना हो गया, 2 × 10, इसको ऐसे रहने दो, ये 5 × 1 कितना हो गया, 5। स्टूडेंट 25 को हम इसके एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 कहां पर है, टेंस प्लेस पर है, तो 2 × 10, यूनिट प्लेस पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। बात समझ में आ गई क्या, ये एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। ये 25 और ये नंबर, दोनों नंबर क्या है, सेम है। यहां पर हम लोग वाई एक्स और एक्स वाई नहीं लिख सकते। बात समझ में आ गई क्या। अच्छा, तो 10 ए वाई एक्स को क्या हम लोग लिखेंगे, व्हाट इज इट्स एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म इज 10 × y। 10 × y क्यों, इसका प्लेस वैल्यू देखो, y कहां है, टेंस प्लेस पर है, तो 10 × y, प्लस ये कहां है, यूनिट प्लेस पर, तो x × 1 मीन्स x, और ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस कितना, y, दिस इज इक्वल टू 143। बात समझ में आ गई क्या,
ये बात समझ में आए। यहां से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, 10y प्लस वाई कितना हो जाएगा 11y, एंड दिस x प्लस 10x इज 11x, दिस इज 143। अब क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर दो या फिर 11 को कॉमन ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, फिर उधर लेके जाओ। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां से हमको एक इक्वेशन मिल गया। चलो अब हम साथ में इसका फेयर भी करते जाते हैं। तो क्या हमने कंसीडर इधर किया, क्या कंसीडर किया, लेट द डिजिट x, लेट द डिजिट, कौन सी डिजिट, x, लेट द डिजिट x बी एट यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस। x को कहां पे कंसीडर कर लिया, यूनिट प्लेस पर, एंड द डिजिट y, एंड द डिजिट y बी एट टेंस प्लेस, बी एट टेंस प्लेस। ये बात समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट, देयर फॉर ओरिजिनल नंबर, अब बताओ ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मतलब जो हमने कंसीडर किया, हमने क्या कंसीडर किया, x को कहां पे कंसीडर किया है, यूनिट प्लेस पे, मतलब यही यूनिट प्लेस पे क्या कंसीडर किया x, टेंस प्लेस पे क्या कंसीडर किया y। तो इससे जो नंबर बनेगा टू डिजिट नंबर, और टू डिजिट नंबर जो बनेगा उसको y x नहीं लिख सकते। बात समझ में आया क्या, y x क्यों नहीं लिख सकते, अगर आपने y x लिख दिया तो इसका मतलब हो गया दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ y एंड x। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म में, एक्सपांडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। बात समझ में आई क्या, y कहां पर है, टेंस प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 इंटू डिजिट प्लस यूनिट प्लेस पे x, x इंटू 1 होता है, x इंटू कितना होता है 1, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। एंड नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, एंड नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। अब डिजिट को आप इंटरचेंज करोगे तो कौन सा नंबर आपको मिलेगा, ये दो देखो, x को कहां रख देंगे, टेंस प्लेस पर, y को कहां रखेंगे, यूनिट प्लेस पर। तो कौन सा नंबर मिला आपको, xy मिला ना, xy, लेकिन इस फॉर्म में नहीं लिखना है, कौन से फॉर्म में लिखना है, एक्सपांडेड फॉर्म में, एक्सपांडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 10x प्लस y। तो देयरफॉर नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स इज 10x प्लस y। ओके स्टूडेंट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन इज गिवन दैट, अब फर्स्ट कंडीशन अच्छे से रीड करके हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस सम ऑफ द टू डिजिट नंबर। तो टू डिजिट नंबर हमने कौन सा कंसीडर किया है, 10y प्लस x। ओके, दिस इज द ओरिजिनल नंबर, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स को जब हमने इंटरचेंज किया तो हमको कौन सा नंबर मिल गया, ये नंबर मिल गया 10x प्लस y, दोनों का सम कितना दिया है 143 दिया है। ओके, अंडरस्टूड ना, नाउ दिस 10y प्लस x प्लस दिस इज 10x प्लस y, this is equals to 143. Now this 10y plus y is 11y, x plus 10x is 11x, this is equals to 143. And in left hand side you can take 11 is a common factor, 11 common ले लिया तो क्या बचा, y plus x, this is equals to 143. Okay student, now y plus x is equals to, Now y plus x is equals to 143. Now this 11 is in left hand side in multiplication. Now this 11 taken in right hand side becomes in division. तो 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 वन जा 11, 3 बचा 33, 11 3 जा 33. तो this is y plus x, you can write this in this form, y plus x, this is equal to 13. Student, this is equation number 1. हमको एक equation मिल गया. Okay, and now second condition is given.
What is the second condition? If the digit at the unit place is 3 more than the digit at the tens place, find the original number. अच्छा, second condition को हम लोग समझते हैं. Unit place पे क्या consider किया है? X. और tens place पे क्या consider किया है? Y. अब condition को जरा ध्यान से समझो. क्या दिया condition? If the digit at the unit place, units place क्या है? X है. If the digit at units place, ओके, तो यूनिट प्लेस पे क्या है? एक्स है. इज थ्री मोर देन द डिजिट एट द टेंस प्लेस. ये जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है ना, ये थ्री ज्यादा है. थ्री मोर, तीन ज्यादा है. किससे ज्यादा है? डिजिट एट द टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उससे थ्री ज्यादा है. तो मतलब ये थ्री ज्यादा है, इट मीन्स डिफरेंस ऑफ बोथ द डिजिट्स इज थ्री. तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा. नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, From second condition, x minus y is equals to 3. This is equation number 2. Okay, student, second condition समझ में आया क्या? If the digit at units place is 3 more than the digit at tens place. Condition को जरा अच्छे से समझना. If the digit at units place is 3 more than the digit at tens place, मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो टेंस प्लेस की डिजिट से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है. मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना? 3. तो किसमें से किसको माइनस करेंगे? जो बड़ा डिजिट है. बड़ा डिजिट कौन सा है? जो यूनिट प्लेस पर है. यूनिट प्लेस पर क्या है? x है. therefore x minus y is equal to 3. स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब दोनों इक्वेशन को, कौन कौन से इक्वेशन को? इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व कर लेंगे. नाउ सी इक्वेशन 1 एंड 2. कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y बोथ आर सेम. अब चाहे आप प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो. व्हेन वी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, देन प्लस y कैंसिल आउट y माइनस y, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x. एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी वन इक्वेशन फ्रॉम एनी वन इक्वेशन, देन x एंड x कैंसिल आउट बाय ईच अदर, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y. बात समझ में आ रही क्या? x का भी कोएफिशिएंट इक्वल है, y का भी कोएफिशिएंट इक्वल है. ये देखो प्लस है, ये देखो माइनस है. अगर हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें, किसको किसको? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को. अच्छा, प्लस करेंगे साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस y माइनस y से कट जाएगा, x मिल जाएगा. तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं. नाउ इक्वेशन 1 इज x प्लस y इज इक्वल टू 13. दिस इज इक्वेशन 1. एंड इक्वेशन 2 इज x माइनस y इज इक्वल टू 3. दिस इज इक्वेशन 2. क्या कर रहे हैं हम लोग? प्लस कर रहे हैं. साइन चेंज होगा नहीं. साइन कब चेंज होता है? जब माइनस करते हैं. देन x प्लस x इज 2x, एंड दिस प्लस y कैंसिल आउट बाय माइनस y, एंड दिस 13 माइनस 3 इज 16. तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? 16 आ गया. therefore x इज इक्वल टू 16/2. कितना आ गया? 8. तो x की वैल्यू बताओ यहां से कितना मिल गया? x इज इक्वल टू 8. therefore x इज इक्वल टू 8. स्टूडेंट, आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी वन इक्वेशन, इन इक्वेशन 1, और यू कैन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल y. ओके स्टूडेंट, तो इधर आप कंप्लीट कर लो, फिर मैं इधर से कंटिन्यू कर रहा हूं. ओके स्टूडेंट, नाउ पुट x इज इक्वल टू 8. नाउ पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1. वी गेट, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो. तो हम लोग कहां पुट कर रहे हैं? इक्वेशन 1 में. क्या पुट कर रहे हैं? x इज इक्वल टू 8. सो दिस इज इक्वेशन 1. x प्लस y, ये देखो x की वैल्यू रख दिया 8, प्लस y इज इक्वल टू 13. तो y इज इक्वल टू 13, दिस 8 टेकन दिस साइड, माइनस 8, 13 माइनस 8 इज
5, y कितना मिल गया 5 मिल गया। ओके स्टूडेंट, तो हमने एक्स वाई को क्या कंसीडर किया था, एक्स इज डिजिट एट यूनिट प्लेस, यक्स कौन सी डिजिट है जो यूनिट प्लेस पे रहेगी, और y कौन सी डिजिट है एट टेंस प्लेस। तो मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा y x, y की वैल्यू कितना 5, x की वैल्यू कितना 8, therefore required टू डिजिट नंबर इज 58, therefore the required टू डिजिट नंबर इज 58। बात समझ में आई क्या? अच्छा देखो, यहां भी ओरिजिनल नंबर हमने लिखा है, क्या लिखा है 10y प्लस एक्स। आप यहां से भी ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, y की वैल्यू बताओ कितना है 5, तो 10 इंटू 5, 10 5 50, 50 प्लस x की वैल्यू 8, 50 प्लस 8 कितना हो जाएगा 58। ओके स्टूडेंट, नाउ हाउ टू चेक योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। अब अपना आंसर आप कैसे चेक करोगे कि आंसर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया था, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग दी डिजिट्स। तो नंबर हमको कौन सा मिला, नंबर्स कौन सा मिला है बताओ 58। ओके स्टूडेंट, सम ऑफ दी नंबर्स, मैं यहां पर आंसर चेक कर रहा हूं, सम ऑफ दी नंबर्स, नंबर्स कौन सा 58, किसका किसका सम करना है, सम ऑफ दी नंबर्स, सम ऑफ दी टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग दी डिजिट्स, डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो कितना मिलेगा 85। अब दोनों को प्लस करने पर कितना उसमें दिया है कंडीशन में 143, तो यहां चेक करके देखो 143 आता है क्या, 8 प्लस 5 कितना 13, 5 प्लस 8 13, 1 कैरी 143 आ गया, करेक्ट ना, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, तो नंबर कौन सा है 58, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट एट टेंस प्लेस, मतलब जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो टेंस प्लेस की डिजिट से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 8 इज मोर देन 5 बाय 3, अंडरस्टूड ना, 8 इज मोर देन 5 बाय 3, सो दिस आंसर सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस, देयरफॉर स्टूडेंट दिस आंसर इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन, नाउ सी योर सेकेंड सब क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट, 7 था क्वेश्चन, इट्स सेकेंड सब क्वेश्चन इज, नाउ सी ऑन योर स्क्रीन, कांताबाई बॉट 1.5 केजी टी एंड 5 केजी सुगर फ्रॉम अ शॉप, सी पेड 50 रुपीज एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा, टोटल एक्सपेंस वॉज 700 रुपीज, देन सी रियलाइज्ड दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी बॉट विथ फ्री होम डिलीवरी एट द सेम प्राइस, सो नेक्स्ट मंथ सी प्लेस्ड द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 केजी टी एंड 7 केजी सुगर, सी पेड 880 फॉर दैट, फाइंड द रेट ऑफ सुगर एंड टी पर केजी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन, कांता बाई बॉट 1.5 केजी टी एंड 5 केजी सुगर फ्रॉम अ शॉप। चलो यहां मान लिया ये आपकी शॉप हो गई, इस शॉप यहां से कितना लिया 1.5 केजी, 1.5 केजी टी, क्या खरीदा 1.5 केजी टी एंड 5 केजी सुगर। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से पहले हम लोग इसको रफली समझेंगे, फिर इसका हम लोग सोल्यूशन सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कांताबाई ने एक दुकान से, एक शॉप से 1.5 केजी टी, 1.5 केजी टी समझ रहे ना, 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 केजी क्या लिया टी एंड 5 केजी सुगर, और क्या लिया 5 केजी सुगर, सी पेड 50 रुपीज एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा, रिक्शा के लिए भी उसने फेयर दिया, भाड़ा दिया है, रिक्शा का कितना भाड़ा दिया 50 रुपीज दिया, टोटल एक्सपेंस वाज 700, टोटल कितना
उसका कितना टोटल पैसा लगा? 700, इतना पैसा उसका खर्च हो गया। क्या क्या खरीदा उसने शॉप से? क्या लिया? 1.5 मतलब 1.5 केजी क्या टी, 5 केजी सुगर और 50 रुपीज। 50 रुपीज ये किसका पैसा है? 50 रुपीज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा। ओके स्टूडेंट, तो दुकान से जब उसने ये सारा सामान लिया तो उसका टोटल एक्सपेंस कितना आ गया, कितना खर्च हो गया? 700। अब आगे का कंडीशन देखो, देन सी रियलाइज दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी बॉड विथ फ्री होम डिलीवरी एट द सेम प्राइस। तो उसने रियलाइज किया कि अगर हम लोग ऑनलाइन खरीद लें, ऑनलाइन भी मार्केटिंग हो रही है, ऑनलाइन सामान को गुड्स को बुक करते हैं, उसमें उसको क्या बेनिफिट दिखा? फ्री होम डिलीवरी। मतलब इसने जो 50 रुपीज किसका रिक्शा का जो फेयर दिया वो उसको नहीं देना है, फ्री होम डिलीवरी एट द सेम प्राइस। जो प्राइस में उसने दुकान पे खरीदा है, ये टी खरीदा, सुगर खरीदा, जो प्राइस में वो दे रहा है दुकान वाला, उसी प्राइस में ऑनलाइन वाला भी डिलीवरी कर रहा है, होम डिलीवरी कर रहा है, फ्री होम डिलीवरी कर रहा है, होम डिलीवरी का चार्ज नहीं है। बात समझ में आई क्या? अच्छा, तो उसने सो नेक्स्ट मंथ सी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन। तो उसने नेक्स्ट मंथ में क्या किया, ये जो ऑर्डर है, जो सामान मंगवाने का है, इसने क्या किया? ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन ऑर्डर किया। अब इसमें क्वांटिटी उसने चेंज कर दिया, 2 केजी टी। टी कितना लिया? 2 केजी एंड 7 केजी सुगर। 7 केजी क्या लिया है? सुगर लिया है। सी पेड 880 फॉर दैट। तो इसके लिए उसने कितना पेड किया है? 880। बात समझ में आई क्या? 880। प्राइस दोनों का, रेट ऑफ गुड्स आर सेम इन शॉप एंड आल्सो ऑनलाइन। ऑनलाइन और शॉप दोनों का जो रेट है ना, 80 पर केजी कितना है, जो रेट यहां पर है वही रेट में यहां मिला, और सुगर जो रेट में यहां मिल रहा है शॉप पे, उसी रेट पे उसको ऑनलाइन में मिल रहा है। बात समझ में आई क्या? दोनों कंडीशन समझ में आ गया। फाइंड द रेट ऑफ सुगर एंड टी पर केजी। सुगर और टी का पर केजी मतलब एक एक केजी का कितना रेट है वो फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। लेट रेट ऑफ किसका पहले टी का ले लूं, लेट रेट ऑफ टी बी एक्स रुपीज पर केजी। ऐसे लिखते हैं, समझ में आता है ना? ऐसे स्लैश डाल दिया तो इसका मतलब हो गया पर केजी, एक्स रुपीज पर केजी। एंड सुगर, एंड रेट ऑफ सुगर बी वाई रुपीज पर केजी। या यहां आप सेंटेंस में वर्ड में लिखना चाहे तो वर्ड में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे इधर? रेट ऑफ टी बी एक्स रुपीज पर केजी। एक केजी का कितना है? एक्स रुपीज। किसका? टी का। रेट ऑफ सुगर बी वाई रुपीज पर केजी। बात समझ में आई क्या? टी का हमने क्या कंसीडर कर लिया है? एक्स रुपीज पर केजी। अच्छा बताओ यहां पर कितना लिया उसने? 1.5 केजी, सॉरी 1.5 केजी। बात समझ में आई क्या? अच्छा टोटल कितना प्राइस हो जाएगा? टोटल प्राइस ऑफ टी व्हेन कांता बाई बॉट 1.5 केजी टी एट द रेट ऑफ एक्स रुपीज पर केजी। टी का हमने क्या कंसीडर किया? एक्स रुपीज पर केजी। तो 1.5 केजी का कितना टोटल रेट हो जाएगा? 1.5x। अरे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं ना। समझो टी का रेट 60 रुपीज पर केजी है। कितना? 60 रुपीज पर केजी। मैं बोलूं 1.5 केजी लेके आओ तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? 1.5 इंटू क्या कर देंगे? 60 इंटू करेंगे ना। तो 1.5 केजी क्या लिया? टी लिया। एक केजी का रेट कितना है? एक्स रुपीज है। तो ये टोटल हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ टी एंड
5 केजी सुगर, सुगर का रेट क्या कंसीडर किया है y रुपीज पर केजी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 5 केजी इज 5y, और इसमें 50 रुपीज उसने क्या दिया है, फेयर दिया है, रिक्शा फेयर, तो ये कितना टोटल पेड किया 700, तो दिस इज इक्वल टू 700। देखो एक इक्वेशन यहां से मिल रहा है। अच्छा सेकेंड अभी देखो, रेट सेम है, जो रेट में यहां शॉप पे मिल रहा है वही रेट ऑनलाइन में मिल रहा है, तो 2 केजी का प्राइस बताओ 2x रुपीज हो गया, प्लस 7 केजी सुगर का प्राइस बताओ 7y हो गया, ऑनलाइन उसने टोटल कितना पैसा दिया 880 रुपीज दिया। तो देखो यहां से सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ कॉस्ट ऑफ, नाउ कॉस्ट ऑफ 1.5 केजी टी, कॉस्ट ऑफ 1.5 केजी टी इज 1.5x रुपीज, बात समझ में आई क्या, एंड कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ कितना, पहले शॉप का हम लोग फर्स्ट कंडीशन का देख रहे हैं, 5 केजी सुगर, कॉस्ट ऑफ 5 केजी सुगर, 5 केजी सुगर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5y रुपीज हो गया, एंड रिक्शा फेयर, रिक्शा फेयर कितना है, एंड रिक्शा फेयर कितना है 50 रुपीज है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ओके स्टूडेंट, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या किया, उसने जब शॉप से परचेज किया 1.5 केजी टी, 5 केजी सुगर और 50 रुपीज क्या रिक्शा का फेयर दिया, तो टोटल उसका कितना एक्सपेंस हो गया 700 हो गया। दिस इज स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, देयरफॉर 1.5x प्लस 5y प्लस क्या 50, दिस इज इक्वल्स टू 700। नाउ स्टूडेंट, दिस 1.5x प्लस 50y, दिस 50 टेकन दिस साइड, 700 माइनस 50, ओके 1.5x प्लस 5y, 700 माइनस 50 इज 650, ओके इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या हम लोग किसी से, ये देखो पॉइंट में है 1.5, दिस इज 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलो इसको ही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्या कंसीडर कर लेते हैं इसको, इक्वेशन वन। ओके स्टूडेंट, दिस इज इक्वेशन वन, एंड नाउ कॉस्ट ऑफ, ये शॉप का हो गया, दुकान से उसने जो खरीदा उसका इक्वेशन वन बन गया। ओके स्टूडेंट, और सेकेंड उसने क्या कर रहा है, कांताबाई सेकेंड ऑनलाइन से जो ऑर्डर किया उसका हम लोग देखते हैं इक्वेशन कैसे बनेगा। एंड नाउ कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ कितना भी टी कितना लिया 2 केजी, कॉस्ट ऑफ 2 केजी टी कितना हो जाएगा 2x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 7 केजी सुगर, कॉस्ट ऑफ 7 केजी सुगर इज 7y, ओके स्टूडेंट 7y रुपीज। नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन मतलब जब उसने ऑनलाइन परचेजिंग किया, तो ऑनलाइन परचेज किया तो टोटल कितना एक्सपेंस हुआ 880, कितना परचेज किया 2x का क्या लिया टी लिया, 7y का क्या लिया सुगर, टोटल एक्सपेंस हुआ 880 रुपीज। ओके स्टूडेंट, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, स्टूडेंट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एंड नाउ हाउ टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, वी वॉन्ट टू यूज बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड। तो किसी एक का कोएफिशिएंट हम लोग इक्वल करेंगे, चाहे आप एक्स का इक्वल कर लो चाहे फिर वाई का कर लो। अच्छा वाई का अगर करेंगे तो वाई का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 5, यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट कितना है 7 है, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा उससे इजी x का कोएफिशिएंट हम लोग इक्वल कर लेते हैं, x का कोएफिशिएंट कितना है इन इक्वेशन 1, 1 में कितना है x का कोएफिशिएंट 1.5
1.5 एन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2। अब ये दोनों कैसे इक्वल करेंगे, ये देखो इक्वेशन वन को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 4 जा कितना होता है 60, यहां पॉइंट लग गया कैंसिल हो गया 6 आ गया। इक्वेशन टू को किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 3 2 जा 6, तो दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। मींस व्हेन वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 देन वी गेट द कोएफिशिएंट ऑफ x आर सेम। ओके स्टूडेंट, नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 4, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। अच्छा क्यों कर रहे हैं, x का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए कर रहे हैं। ओके एंड इक्वेशन टू मल्टीप्लाइंग बाय, इक्वेशन टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा 4 से यहां मल्टीप्लाई किया 1.5 इंटू 4 कितना आ रहा है 6, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा 3 से, इक्वेशन टू मल्टीप्लाइंग बाय 3। नाउ वी गेट इक्वेशन वन मल्टीप्लाइंग बाय 4, स्टूडेंट दिस इज इक्वेशन वन, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 4 वी गेट 1.5, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x एंड दिस 5y, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 20y, दिस इज इक्वल टू 650, 650 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 40 जा 0, 45 जा 20, 46 जा 24, 2 कैरी तो 26, 2600। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 2 जा कितना आ गया 6x एंड 3 7 जा 21y, 3 7 जा 21y एंड दिस इज 880, कितना है 880, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी लगा 3 8 जा 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, 2640, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आप देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया ना, x का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया तो फिर क्या करें हम लोग, सबट्रैक्ट कर दें इसको, किसमें से किसको सबट्रैक्ट करें, इसमें देखो बड़ा कोएफिशिएंट है तो 4 में से हम लोग 3 को सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, Now subtracting equation 3 from 4. Okay student, then we have to write first equation 4. Equation 4 is 6x plus 21y, this is equal to 2640, this is equation 4, and after this write down the equation number 3rd. Equation number 3rd is 6x plus 20y, this is equals to 2600, this is equation number 3rd. क्या कर रहे हैं हम लोग, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, यहां प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ए प्लस है तो माइनस, ए प्लस है तो माइनस, 6x माइनस 6x कैंसल आउट बाय ईच अदर, 21y minus 20y is y, 2600 minus करेंगे तो कितना आ गया 40, student this is the value of 40, y is 40, y क्या consider किया हम लोगों ने, y is the rate of sugar per kg, y rupees per kg is the rate of sugar, therefore student we get the rate of sugar is 40 rupees per kg, and how to obtain the value of x student by substituting this value in equation 1 or in equation 2, तो चलिए मैं यहां से रफ कर दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना। Now put y is equal to 40 in equation 1. कौन से equation में put कर रहे हैं, 1 में, क्या put कर रहे हैं, y की value कितना है 40 है, तो therefore this is 1.5x, this is equation 1, and in this equation we substitute the value of y 40.
1.5x plus 5y. 5y, y की वैल्यू कितना 40, दिस इज इक्वल टू 650, देन 1.5x प्लस 5 इंटू 40 इज 200, दिस इज इक्वल टू 650, देन 1.5x इज इक्वल टू 650, एंड स्टूडेंट दिस प्लस 200, दिस प्लस 200 टेक इन दिस साइड बिकम्स माइनस 200, नाउ वी गेट 1.5x, 650 माइनस 200 इज 450. ओके स्टूडेंट, नाउ x इज इक्वल टू 450 एंड दिस 1.5 टेक इन दिस साइड इन डिवीजन, 450 डिवाइड बाय 1.5, ये देखो डेसिमल का नंबर है ना, 1 पॉइंट पे डेसिमल है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट खत्म हो जाएगा. ओके, देन वी गेट x इज इक्वल टू कितना मिला, 450 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, ऐसे रहने दिया, 1.5 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 15, वन डिजिट पे पॉइंट है ना, पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दो, 15 थ्री जा कितना होता है 45, और ये जीरो यहां पर आ गया, 30 इंटू कितना 10, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 300, x की वैल्यू कितना मिल गई 300, x को क्या कंसीडर किया है, द रेट ऑफ टी बी एक्स रुपीज पर केजी, टी का रेट कितना एक्स रुपीज पर केजी, देयरफोर द रेट ऑफ टी इज 300 पर केजी. ओके स्टूडेंट, नाउ राइट द फाइनल आंसर. हाउ टू राइट द फाइनल आंसर. देयरफोर द रेट ऑफ टी इज 300 रुपीज पर केजी, एंड द रेट ऑफ सुगर इज 40 रुपीज पर केजी. ओके स्टूडेंट, दिस इज द आंसर. अब आंसर अपना चेक करना है कि आंसर राइट है कि नहीं राइट है, तो कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट कंडीशन याद है क्या, शॉप से कितना लिया था, कांताबाई ने शॉप से कितना परचेज किया था, 1.5 केजी क्या लिया था, टी लिया था. अच्छा, टी का प्राइस क्या इसमें दिया है, आंसर क्या हमने निकाला, 300 रुपीज पर केजी इज द रेट ऑफ टी, तो 1.5 केजी का रेट कितना हो गया, 300 इंटू 1.5, तो 1.5 कितना हो जाएगा, 15 थ्री जा 45, दो जीरो है, एक जीरो यहां से कट गया, कितना आ गया 450. अच्छा, रेट ऑफ सुगर कितना परचेज किया था, 5 केजी, रेट कितना है 40, कितना आ गया 200 आ गया, तो ये टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा. तो जब उसने कांताबाई ने शॉप से परचेज किया तो उसका टोटल एक्सपेंस कितना था 700, लेकिन एक चीज याद है क्या, 50 रुपीज रिक्शा का फेयर था, तो 50 रुपीज इसमें और प्लस कर दो, ये देखो 700 आ गया ना, तो दिस आंसर सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, सो स्टूडेंट दिस आंसर इज करेक्ट. नाउ नोट डाउन द सॉल्यूशन स्टूडेंट. नाउ सी थर्ड सब क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर थर्ड सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज थर्ड सब क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट. दिस इज टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट, यू कैन सॉल्व वेरी इजिली, सो दिस थर्ड सब क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू स्टूडेंट. नाउ सी योर फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ इज सी ऑन योर स्क्रीन, फोर्थ वन इज सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31. मनीष इज 3 years एगो वॉज 4 times द एज ऑफ सविता, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. ओके स्टूडेंट, देयर आर 2 persons, वन इज मनीष एंड सेकेंड इज सविता. सम ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31. दोनों की प्रेजेंट एज
का सम कितना है, सम मतलब प्लस, दोनों का जो प्रेजेंट एज है किसका, मनीष का और सविता का, प्रेजेंट एज को प्लस करने पर कितना आता है, 31 आता है। और हमेशा जब भी एज आपको फाइंड आउट करना रहे, एज वाला क्वेश्चन अगर रहेगा तो हमेशा प्रेजेंट एज ही कंसीडर करते हैं, फाइंड देयर एजेस। तो हम लोग एज कंसीडर कर ले रहे हैं, लेट प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष बी एक्स ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता, प्रेजेंट एज ऑफ सविता बी वाई ईयर्स। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट कंडीशन इज वेरी इजी। What is the first condition? Sum of the present ages of Manish and Savita is 31. दोनों की जो present age है उसका sum कितना है, 31 है। Student, this is first condition. So write here from first condition we get first equation x plus y is equals to 31. Let this is equation 1. Okay, student. And second condition is given. Manish is 3 years ago. मतलब मनीष की एज 3 साल पहले। अच्छा, मनीष की प्रेजेंट एज क्या कंसीडर किया है, x। सविता की प्रेजेंट एज क्या कंसीडर किया है, सविता की प्रेजेंट एज क्या कंसीडर किया है, y। मनीष एज 3 years ago, 3 साल पहले मनीष की एज कितना हो जाएगी बताओ, x माइनस 3 हो जाएगी। 3 साल पहले, अगो 3 years, मनीष एज इज x माइनस 3। अच्छा, 3 साल पहले, 3 साल बैक में चले आए, पीछे चले आए, तो सविता के लिए भी तो 3 साल कम हो जाएगा। y माइनस कितना हो गया सविता का एज, y माइनस 3 हो गया। तो अब कंडीशन दिया है, मनीष एज 3 years एगो वाज 4 times द एज ऑफ सविता। 3 साल पहले मनीष की एज, 3 साल पहले मनीष की एज किसके बराबर थी, 4 times द एज ऑफ सविता। तो समझ में आए क्या है कंडीशन, तो इससे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा यहां से। तो नाउ मनीष एज 3 years ago, मनीष एज 3 years ago कितना हो जाएगा, x माइनस 3 years, एंड 3 years ago सविताज एज, मनीष एज 3 years ago एंड सविताज एज, सविताज एज 3 years ago, 3 years ago। 3 साल पहले सविता की एज कितना हो जाएगी, y माइनस 3 years, y माइनस 3 years। नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, कंडीशन इज गिवन दैट, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन बताओ कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन क्या दिया है बताओ। कंडीशन इज गिवन दैट द एज ऑफ मनीष बिफोर 3 years इज 4 times द एज ऑफ सविता। x minus 3 is the age of Manish before 3 years. This is equal to 4 times. 4 times means क्या, 4 से multiply करेंगे, 4 times the age of Savita. Savita की 3 साल की एज, 3 साल पहले की एज क्या है, y minus 3. x minus 3, this bracket multiplying by 4, we get 4y minus 4, 3 is 12. Therefore, this is 4y taken this side, x minus 4y, this is equals to minus 12, and this plus 3 taken this, this minus 3 taken this side becomes plus 3. Now x plus, x minus 4y, x minus 4y, this is equals to minus 12 plus 3. Student, these two numbers having opposite sign, and if numbers having opposite sign, then we subtract smaller number from bigger number and we will write the sign of bigger number. So student, bigger number is 12 and its sign is minus, and subtract smaller number from bigger number. 12 minus 3 कितना आ जाएगा, 9.
let this is equation 2. Student, this is equation 1st and this is equation 2nd. In both the equations, coefficient of x are equal. x का कोएफिशिएंट देखो, यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है. यहां x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है. तो x का कोएफिशिएंट सेम है, तो हमको इक्वल करने की जरूरत नहीं है. अब देखना क्या है कि x को कैंसिल कैसे करेंगे. तो दोनों का सेम साइन है, कैंसिल नहीं होगा, साइन चेंज होना चाहिए. और साइन कैसे चेंज होता है, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. 1 में से 2 माइनस कर रहे हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. किस में से, इक्वेशन 1 में से. सो स्टूडेंट, फर्स्ट राइट डाउन द इक्वेशन 1. व्हाट इज द इक्वेशन 1? x plus y is equal to 31. x plus y is equal to 31. दिस इज इक्वेशन 1. एंड इक्वेशन 2 इज x minus 4y is equal to minus 9. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है. ये प्लस x है तो क्या होगा, माइनस x. माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस. x माइनस x कैंसिल हो गया. y, दिस इज प्लस y एंड दिस इज प्लस 4y, तो कितना आ गया प्लस करने पर, 5y. 4y plus 1y, this is equal to 5y. Student, 31 plus 9, कितना आ जाएगा, 40. Therefore, y is equal to 40. This 5 taken this side becomes in division. 5, 8 जा 40. Y is equal to कितना आ गया, 8. Y किसका एज consider किया है, सविता का. Therefore, present age of सविता is 8 years. Now, how to get the value of x? After substituting the value of y in any equation, you can put this value in equation 1 or you can put this value in equation 2, जिसमें आपको easy लगता है. तो चलिए equation 1 में हम लोग put करेंगे. तो यहां आप note कर लो, इसको मैं rough कर दे रहा हूं. Now put y is equal to 8. Now put y is equal to 8 इन इक्वेशन 1. कौन से इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में. क्या पुट कर रहे हैं, y is equal to 8. स्टूडेंट, दिस इज इक्वेशन 1. x plus y, y की वैल्यू कितना, 8. दिस इज इक्वल टू 31. देयरफॉर x इज इक्वल टू 31 एंड दिस प्लस 8 टेकन दिस साइड माइनस 8. देयरफॉर x इज इक्वल टू 31. 31 माइनस 8, 31 माइनस 8 इज 23. ओके स्टूडेंट, x क्या हमने कंसीडर किया है, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष बी एक्स इयर्स. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज 23 इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ y किसका कंसीडर किया है, सविता का. तो आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मनीष कितना आ गई, मनीष की प्रेजेंट एज कितना है, x है. तो x की वैल्यू कितना, 23. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज 23 इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता. सविता की प्रेजेंट एज कितना है बताओ, सविता की प्रेजेंट एज क्या कंसीडर किया, y, और y की वैल्यू कितना है, 8. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज 8 इयर्स. ओके स्टूडेंट. अच्छा, कंडीशन कैसे आप चेक करोगे, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31. तो दोनों की एज को प्लस करके देखो, 31 आ रहा है क्या, 23 plus 8 कितना, 31. It means answer is correct. अच्छा, second condition भी आप चेक कर सकते हैं. Before 3 years, मनीष, एज आप मनीष is 20 year. 3 साल पहले मनीष की एज कितना हो जाएगी. अच्छा, अभी कितना है, प्रेजेंट एज कितना है, 23. तो 3 साल पहले मनीष कितने years का था, 20. अच्छा, 3 साल पहले सविता की एज क्या होगी, अभी प्रेजेंट एज क्या है, 8 years. तो 3 साल पहले कितना, 5. तो मनीष की एज देखो, इसका 4 टाइम्स है, 4, 5 या 20.
स्टूडेंट बोथ दी कंडीशन आंसर्स आर सेटिस्फाइड दी बोथ दी कंडीशंस गिवन इन क्वेश्चन सो आर आंसर इज करेक्ट. नोट डाउन दिस सोल्यूशन.